अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बेटा आपको लेक्चर ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, आपने लीडरशिप के ऊपर उसको सुना भी होगा, उसको बुक से भी रीड किया होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और ये क्लास स्पेसिफिकली जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं, उसमें मुझे आपकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है, तो क्योंकि मैनेजमेंट की ये रिक्वायरमेंट है, तो इसमें लाजमी ऑनलाइन हुआ करें। बाकी लेक्चर्स या डिस्कशन वो कह लें कि हम लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। तो इसमें आपकी लीडरशिप जो हमने मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर किया था रिकॉर्डेड, उसमें आपकी कोई डिस्कशन कोई पॉइंट्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ कैन रेज योर हैंड्स एंड पॉइंट आउट द स्लाइड नंबर और कौन सा पॉइंट है, पर डिस्कशन कर सकते हैं। रमजान में आपका स्केड्यूल चेंज है, आपके साथ शेयर किया गया होगा, तो वो जो चेंज स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लासेस लिया करेंगे ऑनवर्ड। आस्क योर क्लासमेट्स टू ज्वाइन द मीटिंग, क्योंकि अभी सिर्फ 14 स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइंड हैं। अगर यहीं पे अटेंडेंस ले लूँ तो अटेंडेंस शॉर्ट होगी उन बच्चों की। जो टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन या डिस्कशंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर सारा लेक्चर इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। सर एक बात इसमें से एक पूछनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन होगा या मिशन होगा सर, वो कस्टमर रिलेटेड होगा या फिर एम्प्लॉयर रिलेटेड होगा? मतलब कि एम्प्लॉय में भी उस एम्प्लॉय के लिए भी उसमें स्टेटमेंट होगी या सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही होगी? जी बेटा, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो आप मिशन या विजन अपना देते हो, वो अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए और कस्टमर को की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आप उसको बनाते हो। तो उसमें आपको मैंने डिटेल से बताया था कि विजन में आपका बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन जब आप मिशन लिखते हो तो उसमें ये चीज़ें भी मेंशन करते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को भी कि आप कर क्या सकते हो। साथ में एक दो एग्जांपल्स भी दी थी। तो विजन में आप कस्टमर को फोकस रखते हो कि आप कस्टमर के लिए क्या करना चाहते हो। जब जी सर, मिशन आप राइट डाउन करते हो तो उसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज भी लिखते हो, अपने बारे में भी लिखते हो कि हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है और हम ये क्वालिटी बना सकते हैं, कस्टमर को हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। जी सर। नहीं सर, इसमें जो एम्प्लॉय होंगे सर, उसके लिए कोई नहीं स्टेटमेंट होगी कि एम्प्लॉय के लिए कि हम अपने एम्प्लॉय को भी इतनी स्पेसिलिटेट करेंगे, इस हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो हमसे इतने खुश हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं वो एम्प्लॉय के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, बल्कि कस्टमर के ऊपर ही ध्यान देते हैं कि हमारी कस्टमर हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी से अच्छी बने, बल्कि हमारे एम्प्लॉय को ओवर टाइम लगा लें या उनको वो यानी कि पे कम देते हैं या और भी कई फैसिलिटीज नहीं देते। कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसमें क्या होगा? यानी कि वो अपने विजन में या उसके अपनी मिशन में नहीं वो अपना ऐड करेंगे इस चीज़ को? इसमें ये चीज़ ऐड की जा सकती है। आई वुड सजेस्ट यू आप सर्च करें इंटरलूप का, तो जी सर, बिल्कुल वही मैं बात करने लगा। तो उसमें इंटरलूप है ने अपने सीएसआर, एम्प्लॉय अगर उन देखें उसमें जी सर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये चीज़ें उस उनके विजन या मिशन में एडेड हैं, तो ये इज वन ऑफ द पॉइंट्स इन द सस्टेनेबिलिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होती हैं, सस्टेनेबल थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें तीन मेन पॉइंट्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। जब आप जी सर, एनवायरमेंट को भी अपने मिशन और विजन में कंसिडर करते हैं और सोशल इश्यूज को भी उसमें कंसिडर करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके विजन और मिशन का पार्ट बन जाता है। तो ये ओके यू कैन ऐड दिस वन। इसमें ये नहीं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है या सिर्फ कस्टमर को जो सर्विस या प्रोडक्ट सप्लाई करनी है उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस है, बल्कि उसका जो प्रोसेस है आपका सारा, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, या आपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है आपके प्रोसेसेस से आपके एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो रहा है, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर ऐसे। और सर जो सस्टेनेबिलिटी है, इसमें सर ना सिर्फ हम जो है अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब एक तो प्रोडक्ट बन गई और प्रोडक्ट बनने के दरमियान जो हमने केमिकल्स यूज़ किए हैं, कोई भी हमने ऐसी चीज़ यूज़ की है जो यूज़ करने के बाद बाद में वेस्ट होगी और वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, तो एक तो वो चीज़ आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो प्रोडक्ट बन गई है, बनने के बाद जो है वो आखिर पे जो हमने यूज़ कर ली, उस जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया, उसके बाद जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें सस्टेनेबिलिटी में आएंगी कि इसका बेटा सस्टेनेबिलिटी को अगर अंडरस्टैंड करना है ना, तो बड़े मोटी सी इसकी डेफिनेशन है कि जी सर? जो भी काम आप कर रहे होते हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस प्रोसेस के दौरान में आप देखते हो जो कुछ आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट जी सर, नेचुरल सिस्टम में, इकोसिस्टम में, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर या उन रिसोर्सेज के ऊपर कितना आता है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी है। जी सर, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है तो इसका मतलब है कि उसमें सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। फिर आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करते हो जिसमें आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्पस को सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हो, बट आप इस तरीके से सप्लाई कर रहे हो कि जो एग्जिस्टिंग पहले से मेथड्स हैं उन मेथड्स से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, लेकिन आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है उससे इन्वायरमेंट पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे आपने मैं बिल्कुल
क्या था, रिसाइकल प्रोडक्ट्स। आप टेक्सटाइल में आप रिसाइकल प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो आप ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहे हैं उसमें वर्जिन मटेरियल यूज होते हैं, उन वर्जिन मटेरियल्स के पीछे बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो कि ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। जी सर, जैसे बिल्कुल कॉटन आप ग्रो करते हो तो उसमें वाटर की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हो और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब आप रिसाइकल करोगे तो वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज आप सेव कर रहे हो विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो सस्टेनेबल आपकी प्रोडक्ट बनती है क्योंकि आप उन रिसोर्सेज को सेव कर रहे हो जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर होते हो, आपने पिछले सेमेस्टर में उसे पढ़ा होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर, उस वक्त जी आप सर, डिसाइड करते हो कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए कि ये उस रिसाइकलेबल होगी या नहीं होगी, बायोडिग्रेडेबल होगी या नहीं होगी, या इसका बाद में यूज़ क्या होगा। एक टेक्निक यूज़ होती है सस्टेनेबिलिटी में जिसको कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट में आप एक प्रोडक्ट की क्रेडल टू ग्रेव, जब वो प्रोडक्ट बनी है, बनने के बाद जब वो ख़त्म होगी उसके बाद तक की सारी प्रोसेसेस को वैल्यूएट करते हो कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर या उन रिसोर्सेज के ऊपर जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी है क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि आप प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उसके बनने से लेकर उसके एंड तक रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस प्रोडक्ट का क्या करना है, यूज़ हो गई है, उसने जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था उसके लिए एंड ऑफ लाइफ होगी, अब उसका क्या करना है, क्या वो लैंडफिल में चली जाएगी, क्या वो रिसाइकल होगी, या क्या पर्पस होगा उसका। तो ये सारी चीज़ मेंशन करना प्रोडक्ट के साथ मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर वो ही इज गोइंग टू बी लेबल्ड एज सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरर। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। आई होप ये आपको इस डिस्कशन से अपना पॉइंट मिल गया होगा। जी सर बिल्कुल मिल गया। ठीक है, गुड। कोई और क्वेश्चन है डिस्कशन वी कैन डू। आई थिंक 35 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सो इट्स गुड टाइम टू टेक अटेंडेंस। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं तो हम मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई विल शेयर द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। जी सर, ओके, ठीक है सर। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, समझ आ गई सर। कोई नहीं सर, क्वेश्चन सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।